रणवीर एक और क्वेश्चन था, जिस तरह से सिंघम के जो डायलॉग्स हैं वो बच्चों बच्चों की जबान पे चढ़ गए हैं, और अजय देवगन जी की बात करें तो उनके डायलॉग डिलीवरी हमेशा से बेहतरीन रहती आई है, जिस तरह के मराठी डायलॉग्स भी हैं, तो इस फिल्म के लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी मराठी की, और किस तरह के डायलॉग्स आपके भी हैं जो लोग हमेशा याद रखते रहेंगे? जो दे तो त्रास, त्याची में तो क्लास। बड़ा मज़ा आया, जो डायलॉग्स लिखे थे वो बहुत मज़ेदार है, बोलने को, तोड़ने को, मरोड़ने को बहुत मज़ा आता था, और वो जो फ्लेवर बहुत ज़रूरी था, बिकॉज इट एड्स अ लेयर ऑफ ऑथेंटिसिटी टू द वर्ल्ड एंड टू द कैरेक्टर्स, एंड आई थिंक जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको शायद रियलाइज नहीं होता है, बट इट इज़ हैविंग एन इफेक्ट ऑफ यू, सडनली देर इज़ मोर इन्वेस्टमेंट, मोर परचेज इन द बिलीवेबिलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इफ यू गो दैट एक्स्ट्रा माइल टू एड दैट लेयर टू योर कैरेक्टराइजेशन. वी हैव अ वंडरफुल ऑनसॉम ऑफ एक्टर्स, अ लॉट ऑफ हु डू सम अमेजिंग वर्क इन मराठी सिनेमा, एंड यू विल सी दिस मैन एक्सप्लोडिंग ऑन स्क्रीन दादा के जलवे. क्या बोलना चाहिए, दादा के जलवे. हर शॉट होता था, फिर हम रणवीर सर, हम यही बोलते थे रोहित सर को, दादा के जलवे, बस बाकी कुछ नहीं.